नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिशु लालनम, जो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला से लिया गया एक छोटा सा नाट्यांश है। सिंहासनस्थः रामः, राम सिंहासन पर आसीन है, बैठे हुए हैं। ततः वहां विदूषकेन, विदूषक द्वारा उपदिश्यमान मार्गौ, मार्ग बताए जाते हुए या मार्गदर्शन कराए जाते हुए, तापसौ तपस्वी, कुशलवौ कुश और लव प्रविशतः प्रवेश करते हैं। विदूषकः इत इत आर्यौ, इधर से आर्य इधर से, कुशलवौ कुश और लव रामम राम के, उपसृत्य पास जाकर, प्रणम्य च और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशलता है या महाराज कुशल पूर्वक तो हैं। इस प्रकार से वो भगवान का हालचाल पूछते हैं। रामः युष्मत दर्शनात्, आप दोनों के दर्शन से कुशलम इव, कुशल जैसा ही हूँ। किम वयम अत्र, क्या हम यहाँ पर, भवतोह आपके, कुशल प्रश्नस्य एव, कुशल प्रश्न के ही भाजनम पात्र हैं। पुनर अतिथि जन समुचितस्य, क्या दोबारा अतिथि जन के योग्य कंठाश्लेषस्य, कंठ आलिंगन के नहीं, कंठ आश्लेषस्य कंठ आलिंगन के न नहीं। भगवान राम कुश और लव से कहते हैं, क्या हम सिर्फ औपचारिक रूप से कुशल प्रश्न के ही योग्य हैं? क्या हम गले लगाए जाने के लायक या उसके पात्र नहीं हैं? किम वयम अत्र, क्या हम यहाँ पर, भवतोह आपके, कुशल प्रश्नस्य एव, कुशल प्रश्न के ही भाजनम पात्र हैं। पुनर अतिथि जन समुचितस्य, दोबारा अतिथि जन के योग्य कंठाश्लेषस्य, कंठ धन अश्लेषस्य, कंठ आलिंगन के न नहीं। क्या हम गले लगाए जाने के लायक नहीं हैं? परिस्वज्य आलिंगन करके, अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श। आसनार्धम उपवेशयति, अर्धम आसनम उपवेशयति, आधे आसन पर बैठते हैं। उभौ दोनों राजासनम खलु एतत्, एतत् खलु राजा आसनम, एतत् यह खलु निश्चित ही राजा आसनम, राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, अद्य आसितुम न युक्तम, अद्य यहाँ, आसितुम बैठना, न माने नहीं, युक्तम उचित है, यहाँ बैठना उचित नहीं है। रामः सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, व्यवधान सहितम न चारित्र लोपाय, व्यवधान से चरित्र का लोप नहीं होगा। अगर सिंहासन में और आपके बैठने के बीच में कोई बाधा होगी तो चरित्र की हानि नहीं होगी। सिंहासनम व्यवहितम, सिंहासन बाधित है, तस्मात इसलिए आदि ऊपर अंकम आस्यताम, अंकम अर्थात गोद में, आस्यताम बैठिए, इसलिए आप ऊपर गोद में बैठिए। अंकम उपवेशयति, गोद में बिठाते हैं। उभौ दोनों अनिच्छाम नाट्यतः, अनिच्छा से मना करते हैं। राजन राजा अलम अति दाक्षिणेन, बस इतनी अधिक कुशलता या उदारता नहीं होनी चाहिए। अलम अति दाक्षिणेन, इतनी अधिक कुशलता मत करिए, इतनी उदारता मत दिखाइए। रामः अलम अति शालीनतया, इतनी शालीनता भी, इतना औपचारिकपन भी उचित नहीं है, इतनी अधिक औपचारिकता, इतना अधिक शालीनता का प्रदर्शन भी ठीक नहीं है, ऐसा भगवान राम कहते हैं। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। ये जो पाठ्यांश हमने अभी पढ़ा, इसी पर आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। कुशलवौ कस्य समीपम अगच्छत्, रामस्य। सिंहासने कः स्थः, रामः। कस्य स्पर्शः, रामाय हृदयग्राही आसीत्।
कुशलावयोः स्पर्शः रामाय हृदयग्राही आसीत्। किं चरित्रलोपाय न भवति? सव्यवधानं चरित्रलोपाय न भवति। रामः कौ अंकम् उपवेशयति? रामः कुशलावौ अंकम् उपवेशयति। अत्र उभौ शब्द काभ्यां प्रयुक्तः लवकुशाभ्यां। युष्मद्दर्शनात् इत्यत्र युष्मद् इति सर्वनामपदं काभ्यां प्रयुक्तं लवकुशाभ्यां। पात्रम् इति पदस्य पर्यायपदं किम्? भाजनम्। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। कुशलवौ इति कर्तर्पदस्य क्रियापदं किम्? प्रविशतः। अहो, हृदयग्राही स्पर्शः। हृदयग्राही इति पदस्य विशेष्य पदं किम्? स्पर्शः। अन्वयः गुणमहताम् अपि वयोनुरोधात् शिशुजनः लालनीयः एव भवति। बालभावात् हि हिमकरः अपि पशुपतिमस्तकः केतकच्छदात्वं व्रजति। इससे पहले के पाठांश में हम जान चुके हैं कि राम लव और कुश से अपने साथ सिंहासन पर बैठने का अनुरोध करते हैं, पर लव और कुश अत्यंत शालीनता पूर्वक यह राजा का आसन है ऐसा कहकर मना कर देते हैं। अब राम उन्हें इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं कि छोटे बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। गुण महताम अपि, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी वयोनुरोधात्, वय के अनुरोध के कारण, छोटी उम्र के कारण शिशुजनः बालक लालनीयः एव, लालनीय ही भवति होता है। बाल भावात ही, बाल भाव के कारण ही हिमकरः चंद्रमा अपि भी पशुपति शंकर के मस्तकः मस्तक पर केतकच्छदत्वं केतकी पुष्पों से निर्मित जुड़े की भांति व्रजति शोभित होता है। भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वं। कः लालनीयः भवति? शिशुजनः। किमर्थं हिमकरः पशुपति मस्तक विराजते? बालभावात्। हिमकरः कीदृशम् इव पशुपति मस्तक विराजते? हिमकरः बालभावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम् इव विराजते। शिशुजनः इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्? लालनीयः। विराजते इति क्रियायाः श्लोके पर्यायः कः? व्रजति। व्रजति इति क्रियापदस्य कर्तृपदस्य किम्? हिमकरः। अत्र हिमकरः पदं कस्मै प्रयुक्तम्? चन्द्राय। अस्मात् श्लोकात् एकम् अव्ययपदं लिखत् एव अपि। रामः एषः यः भवतौ आप दोनों के सौंदर्य सुंदरता को अवलोक देखने से जनितेन उत्पन्न कौतूहलेन कौतूहल या जिज्ञासा के कारण पृच्छामि पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य वा चंद्रयोः सूर्य या चंद्रमा में से भवतोः आपके वंशस्य वंश का कर्ता पूर्वज या कर्ता को कौन है? लवः भगवन् सहस्त्र दिदितिः भगवान सूर्य। रामः कथम कैसे? अस्मत् हम दोनों समान एक जैसे अभिजनौ कुल में समृत्तौ हो गए हैं। राम कहते हैं ऐसा कैसे हुआ कि हम दोनों एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं? कथम अस्मत् समान अभिजनौ समृत्तौ? कैसे हम दोनों एक जैसे कुल में हो गए हैं? विदूषकः किम क्या द्वयोः दोनों का अपि अर्थात भी एकम एक एव ही एक ही प्रतिवचनम
प्रत्युत्तर है, क्या द्वयोः अपि एकम् एव प्रतिवचनम्? क्या दोनों का एक ही उत्तर है? लवः आवाम हम सोदर्यौ भ्रात्राव, हम दोनों सहोदर या सगे भाई हैं। सोदर्यौ अर्थात सहोदर, भ्रात्राव भाई हैं। रामः शरीर सन्निवेशः, शरीर की बनावट समरूपः एक समान है। वयसः आयु में, तु अर्थात भी, किंचित कुछ, अनंतरम अंतर, न नहीं है। लव आवाम हम यमलव जुड़वा हैं। रामः संप्रति युज्यते, अब ठीक है। अब समझ में आ गया कि शरीर की बनावट और उम्र एक जैसी क्यों है। किम नामधेयम, क्या नाम है आपका? रामः एष भवतोः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन किम नामधेयम्। यह जो पाठांश हमने अभी पढ़ा उसके ऊपर आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। कौ यमलौ स्तः लव कुशौ, क्षत्रिय कुलस्य पितामहौ, कौ स्तः सूर्य चंद्रो, कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः भगवन् सहस्त्र दिधितिः। रामस्य वंशस्य कर्ता कः सहस्त्र दिधितिः। रामः लवकुशौ किं पृच्छति? रामः लवकुशौ पृच्छति यत् क्षत्रियकुलपितामहयोः सूर्यचन्द्रयोः को वा तयोः वंशस्य कर्ता अस्ति। कुशलवयोः मध्ये कीदृशी समानता आसीत्? समरूपः शरीर सन्निवेशः। आवाम इति सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम लवकुशाभ्याम। अत्र युगलो इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम? यमलौ। अस्मात् गद्यांशात् भानुः पदस्य पर्याय पदम लिखत सूर्यः। सौंदर्यावलोक जनितेन इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम? कौतूहलेन। सोदर्यौ इति विशेष्य पदम किम? भ्रातरौ। आयोः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम्? वयसः। प्रश्नम् इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम किम्? प्रतिवचनम्। लवः आर्यस्य वंदनायाम् आर्य की वंदना में लव इति आत्मानम्, लव ऐसा स्वयं को, आत्मानम् अर्थात स्वयं को श्रावयामि सुनाता हूँ, कुशम निर्देश्य और कुश की ओर संकेत करके आर्यो अपि, आर्यः अपि अर्थात आर्य भी अर्थात आप भी गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरणों की वंदना में अर्थात कहिए, अपना नाम बताइए। कुशः अहम अपि, मैं भी कुश इति आत्मानम्, कुश ऐसा स्वयं को श्रावयामि सुनाता हूँ। रामः अहो अरे उदात्त रम्यः, यह उदात्त और रमणीय अर्थात बहुत सुंदर समुदाचारः, आचरण है, शिष्टाचार है, बहुत सुंदर तरीके से आप दोनों ने अपना नाम बताया। भवतोर गुरुः आपके गुरुजी का किम नामधेयो, क्या नाम है? लवः ननु निश्चित ही भगवान वाल्मीकि ही, उनका नाम निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि है। रामः केन संबंधेन, किस संबंध से वो आपके गुरु हैं? लवः उपनयनो पदेशेन, उपनयन धारण करवाने के कारण, यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करवाने के कारण, क्या उन्होंने हमें ज्ञान देना आरंभ किया है, इस वजह से वो हमारे गुरु हैं। लवः आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्रावयामी उपनयनोपदेशेन, ये जो पाठ्यांश हमने पढ़ा उसके ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर। वाल्मीकि ही कयोः गुरु आसीत्? लवकुशयोः। कीदृशः समदाचारः? उदात्त रम्यः। केन संबंधेन वाल्मीकि ही लवकुशयोः गुरु आसीत्? उपनयनोपदेशेन वाल्मीकि ही
लवकुशयोः गुरुः आसीत्। भगवान् वाल्मीकिः अत्र विशेषणपदं किम्? भगवान् अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि अस्मिन् वाक्ये श्रावयामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? अहम् समुदाचारः इति पदस्य विशेषणपदं किम्? उदात्तरम्यः अहम् अपि अत्र अहम् इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्? कुशाय। शिष्टाचारः इति पदस्य पर्यायपदं किम्? समुदाचारः। रामः अहम् अत्र भवतोः, अहम् मे अत्र यहाँ भवतोः, आप दोनों के, जनकम् पिता के, नाम तो नाम को वेदितुम् जानना इच्छामि चाहता हूँ। लवः अस्य इनका नाम देयम् नाम न ही जानामि नहीं जानता। कश्चित् कोई अस्मिन् हमारे तपोवने तपोवन में तस्य उनका नाम न व्यवहरति नाम व्यवहार में नहीं लाता है या प्रयुक्त नहीं करता है। लव कहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता, क्योंकि कोई भी हमारे तपोवन में उनका नाम प्रयुक्त नहीं करता है। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि भगवान राम को करीब करीब ये विश्वास हो चला है कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं, पर वो इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। रामः अहो महात्म्यम्, अरे महानता, अरे ये कौन सी विशिष्ट बात है भाई। कुशः जानामि अहम्, अहम् अर्थात मैं जानामि जानता हूँ, तस्य उनका नामधेयम् अर्थात उनका नाम। रामः कथ्यताम्, कहो या बताओ। कुशः निरनुक्रोशो नाम रामः वयस्य अपूर्वं खलु नामधेयम्। विदूषकः विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि निरनुक्रोश इति कः एवं भणति। कुशः अम्बा किं कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। कुशः निरनुक्रोशो नाम अर्थात निर्दयी नाम या निर्दयी कहकर वे संबोधित किए जाते हैं। रामः वयस्य मित्र खलु निश्चित ही नामधेयम् नाम अपूर्वम् अनोखा या विचित्र है। मित्र ये नाम तो बिल्कुल ही अनोखा है। विदूषकः विचिन्त्य विचार करके एवं ऐसा तावत् तो इससे पृच्छामि पूछता हूँ निरनुक्रोश इति का एवं भणति निर्दयी ऐसा कौन कहता है। कुशः अम्बा या माता कहती हैं। विदूषकः किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था क्या क्रोधित होकर कहती हैं या स्वाभाविक रूप में ही वो निरनुक्रोश या निर्दयी ऐसे संबोधित करती हैं। रामः अहम् अत्र भवतोः जनकं नाम तो वेदितुम् इच्छामि किम् कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। इस पाठ्यांश के ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर। रामः कयोः पितुः नाम वेदितुम् इच्छति। लव कुशयोः कुशः स्वजनकस्य किम् नाम वदति। निरनुक्रोशः तपोवने कश्चिदपि कस्य नाम न व्यवहरति। तपोवने कश्चिदपि लवकुशयोः जनकस्य नाम न व्यवहरति। भणति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? कः। क्षत्रुः इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं किम्? वयस्य। अथवा इत्यर्थे किम् पदं प्रयुक्तम्? उत न हि जानाम्यस्य नामधेयम् अत्र अस्य सर्वनाम पदं कस्मै प्रयुक्तं जनकाय। कथयति इति क्रियायाः गद्यांशे पर्यायः कः? भणति। कुशः यद्यार्वयोर् बालभावजनितं यदि
आवयो हम दोनों के बाल भाव जनितम, बाल स्वभाव से जनितम अर्थात उत्पन्न, किंचित कुछ, अविनयम, अविनयम का अर्थ है उद्दंडता या शैतानी, को पश्यति देखती हैं, तदा एवं तो ऐसे अधीक्षिपति डांटती या फटकारती हैं। निरनुक्रोशस्य पुत्रौ निर्दयी के पुत्रो मा चापलम इति, ऐसी चंचलता मत करो या शैतानी मत करो। विदूषकः यदि एतयोः, यदि इन दोनों के पितुः पिता का नामधेयम नाम निरनुक्रोश इति निर्दयी है तो एतयोः इन दोनों की जननी माता तेन उसके द्वारा, इन दोनों बालकों के पिता द्वारा अवमानिता अपमानित हो करके निर्वासिता निर्वासित की गई है, निकाल दी गई है। इसीलिए एतेन ऐसे वचनेन वचन से या शब्दों से दारकौ पुत्रों को निर्भत्सर्यति धमकाती है फटकारती है। रामः स्वगतम, राम यह बात ऐसे बोलेंगे कि जैसे वो अपने आप से कह रहे हों पर दर्शकों को सुनाई देगी, इसलिए स्वगतम यहाँ पर आया है। धिक माम एवं भूतम या एवं माम भूतम धिक, इस प्रकार मुझे धिक्कार है। राम को यह विश्वास हो चला है कि हो न हो ये दोनों बालक उन्हीं के हैं, इसलिए वो कहते हैं इस प्रकार मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से स्व अपनी अपत्यम संतान को एवं ही मन्युगर्भैर अक्षरैर निर्भत्सर्यति, मन्युगर्भ है क्रोध से भरे, अक्षरैः अक्षरों से निर्भत्सर्यति धमकाती है। सवास्पम अवलोकयति, सवास्पम अश्रुपूर्ण नेत्रों से अवलोकयति देखते हैं। प्रश्नोत्तर, कयोह जननी निर्वासिता, लवकुशयोह, जननी केन अवमानिता, जनकेन, सा तपस्विनी केन अपराधेन, कम मन्युगर्भः अक्षरः निर्वत्सर्यति, सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेव मन्युगर्भैर अक्षरैर निर्वत्सर्यति, जननी कदा कथम च पुत्रौ अधीक्षिपति, जननी यदा लवकुशयोः बालभावजनितं किंचिद अविनयं पश्यति तदा निरनुक्रोशस्य पुत्रौ इति कथयित्वा अधीक्षिपति। सा तपस्विनी इति कर्तुरपदस्य क्रियापदं किम्, निर्भत्सर्यति, मा इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्, रामाय, वचनेन इति पदस्य विशेषणपदं किम्, एतेन, दारकौ इति पदस्य कः अर्थः, पुत्रौ। रामः अयं प्रवासः, यह प्रवास अतिदीर्घः अत्यंत लंबा, च और दारुणः दुखदाई है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देख करके, जनांतिकम और संकेत से, कुतूहलेन आविष्टो कौतूहल से आविष्ट होने या घिर जाने के कारण अर्थात कौतूहलवश, अनयोह इनकी मातरमः माता का नाम तो नाम, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, ऐसा करना न युक्तम उचित नहीं है, च और स्त्रीगतम स्त्री से संबंधित होने के कारण अनुयोक्तम उचित नहीं, विशेषतः तपोवने और खास तौर पे तब जब वह स्त्री तपोवन में रहती है या तपोवन से संबंधित है। तत तो को अत्र अभ्युपायः, तो यहाँ पर क्या उपाय है। राम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लव और कुश उन्हीं के पुत्र हैं, इसलिए वे उन दोनों की माता का नाम जानना चाहते हैं। विदूषकः जनांतिकम संकेत से, अहम पुनः पृच्छामि अर्थात मैं फिर से पुनः फिर से पृच्छामि पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकटतः, किम नामधेया युवयोः जननी, किम नामधेया क्या नाम है युवयोः तुम दोनों की जननी अर्थात माता का। लवः तस्याः द्वय नामनी, उनके दो नाम हैं,
विदूषकः कथम इव, ऐसा कैसे। तो अब इसी पाठ्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। कः दारुणः अतिदीर्घः च, प्रवासः। अयम् प्रवासः कीदृशः आसीत्, दारुणः। विशेषतः तपोवने किं न युक्तम्, स्त्रीगतम् अनुयोक्तम्। कः कुतूहलेन आविष्टः अस्ति, रामः। रामः किम् वेदितुम् इच्छति, रामः लवकुशयोः मातुः नाम वेदितुम् इच्छति। दारुणः इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदं किम्, प्रवास। अनुचितम् इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं किम्, युक्तम्। कठोरः इत्यर्थे किम् पदं प्रयुक्तम्, दारुणः। अनयोः इति सर्वनामपदं काभ्यां प्रयुक्तम्, लवकुशाभ्यां। लवः तपोवनवासिनो देवी इति नामना आव्यन्ति, तपोवनवासी देवी इस नाम से आव्यन्ति बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि ही भगवान वाल्मीकि वधूः इति और भगवान वाल्मीकि वधू कह करके बुलाते हैं। रामः अपि च इति ही तावद् वयस्य मुहूर्तमात्रम्, वयस्य अर्थात मित्र, मुहूर्तमात्रम् कुछ देर के लिए। अपि च इति ही तावद् भी इधर आओ या इधर से, ऐसा राम विदूषक से कह रहे हैं। विदूषकः उपसृत्य पास जाकर के, आज्ञापयतु भवान, महाराज आज्ञा दें। रामः अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतांतः, अर्थात इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, अनयोः कुमारयोः इन कुमारों का, च अस्माकं और हमारे परिवार का, सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतांतः, हमारे परिवार का वृतांत सर्वथा समरूप या एक जैसा है, ऐसा कैसे। ऐसी जिज्ञासा राम विदूषक से प्रकट करते हैं कि अनयोः कुमारयोः इन कुमारों का, च अस्माकं और हमारा, सर्वथा अर्थात बिल्कुल एक जैसा, समरूप एक जैसा कुटुंब वृतांतः, कुटुंब का विवरण बिल्कुल एक जैसा है। नेपथ्य पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से कुश और लव को शीघ्र गाने का निर्देश मिलता है। इयति वेला संजाता, इतना समय हो गया। रामायण गानस्य नियोगः, रामायण के गाने का नियोगः अर्थात कार्य, किमर्थम न विधीयते, किसलिए नहीं किया जा रहा है। उभौ राजन, उभौ अर्थात दोनों लव और कुश, राजन राजा, उपाध्याय दूतो, उपाध्याय के दूत अर्थात गुरु के दूत, अस्मान हम दोनों को, त्वर्यति जल्दी करने को कह रहे हैं, शीघ्र करने को कह रहे हैं। कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि ही केन नामना आव्यन्ति, वधूः। कस्य वेला संजाता, रामायण गानस्य, केषां कुटुंब वृतांतः समरूपः अस्ति, लवकुशयोः रामस्य च कुटुंब वृतांतः समरूपः अस्ति। आव्यन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्, तपोवनवासिनः। कुमारयोः इति विशेष्य पदस्य विशेषणपदं किम्, अनयोः। अध्यापकः इत्यर्थे किम् पदं प्रयुक्तम्, उपाध्यायः। भवान् इति सर्वनाम पदं कस्मै प्रयुक्तम्, रामाय। समयः इत्यस्य कः पर्यायः अत्र लिखितः, वेला। समरूपः कुटुंब वृतांतः अनयोः पदयोः विशेषणपदं किम्, समरूपः। अन्वय भवन्तौ गायन्तौ पुराणः व्रतनिधिः कविः अपि वसुमतीं प्रथमम् अवतीर्णः गिराम अयम् संदर्भः सरसिरुः नाभस्य च इयम् श्लाघ्या कथा सः च अयम् परिकरः नियतम् श्रोतारम् पुनाति रमयति च। भवन्तौ गायन्तौ आप दोनों अर्थात कुश और लव गान करने वाले हैं। पुराणः व्रतनिधिः कविः अपि तपोनिधि, व्रतनिधि अर्थात तपोनिधि पुराण कवि यानी वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं।
वसुमतीं धरती पर प्रथमम अवतीर्णः प्रथम बार अवतरित होने वाला गिराम अर्थात स्फुटवाणी का यह काव्य है। च इयम् श्लाघ्या कथा और इसकी श्लाघनीय प्रशंसनीय कथा सरसिरुः नाभस्य कमलनाभि विष्णु से अयम संदर्भः संबद्ध है। सह च वह और नियतम निश्चित ही अयम परिकरः यह संयोग श्रोतारम श्रोताओं को पुनाति पवित्र रमयति च और आनंदित करने वाला है। यह संयोग कि लव और कुश गान करेंगे लेखक या कवि वाल्मीकि हैं और कथा स्वयं विष्णु भगवान से संबंधित है। इस प्रकार यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। पूरे श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, आप दोनों कुश और लव गान करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुटवाणी का यह काव्य है और इसकी कथा कमलनाभि विष्णु से संबंधित है। इस प्रकार निश्चित ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। भवन्तौ गायन्तौ आप दोनों गान करने वाले हैं। पुराणः व्रतनिधिः कविः अपि तपोनिधि पुराण कवि इस रचना के कवि हैं। वसुमतीं धरती पर प्रथमम अवतीर्णः प्रथम बार अवतरित होने वाला गिराम अर्थात वाणी का यह काव्य है। च इयम् श्लाघ्या कथा और इसकी प्रशंसनीय कथा सरसिरुः नाभस्य कमलनाभि विष्णु से अयम् संदर्भः संबद्ध है। सह च वह और नियतम निश्चित ही अयम् परिकरः यह संयोग श्रोतारम श्रोताओं को पुनाति पवित्र रमयति च और आनंदित करने वाला है। प्रश्नोत्तर। तपोनिधिः पुराणः मुनिः कः वाल्मीकिः अयम् संदर्भः कुत्र प्रथमम् अवतीर्णः गिराम अयम् रामायणस्य गानम् काम पुनाति रमयति च अयम् रामायणस्य गानम् श्रोतारम् पुनाति रमयति च इयम् कथा कीदृशी अस्ति वसुमतीम् प्रथमम् अवतीर्णः गिराम अयम् संदर्भः सरसिरुः नावस्य च इयम् श्लाघ्या कथा अस्ति वाणीम् पदस्य पर्यायपदम् गद्यांशे किमस्ति गिराम रमयति इति क्रियापदस्य कर्ता कः अयम् मया इति सर्वनामपदम् कस्मै प्रयुक्तम् रामाय कथा इति पदस्य विशेषणपदम् किम् श्लाघ्या धरतीम् इत्यर्थे किम् पदम् प्रयुक्तम् वसुमतीम् सह च अयम् परिकरः नियतम् श्रोतारम् पुनाति रमयति च अत्र क्रियापदम् किम् पुनाति अस्मात् गद्यांशात् द्वय अव्ययपदम् लिखत् अपि च वयस्य मित्र अपूर्वो अयम् अपूर्व है यह मानवानाम मनुष्यों में सरस्वत्य अवतारः सरस्वती का अवतार अर्थात भगवान वाल्मीकि तत् अहम् इसलिए मैं सुहृत जन साधारणम् सुहृत अर्थात प्रियजनों और जन साधारणम् साधारण जनता को श्रोतुम इच्छामि सुनाना चाहता हूँ। सन्निधियन्ताम् निकट आए सभासदः सभासद सभासद निकट आए प्रेषिताम् अस्मद अंतिकम् प्रेषिताम् भेज दो अस्मद हमारे अंतिकम् नजदीक सौमित्री ही अर्थात लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। अहम् अपि एतयोः चिरासनम् अहम् मैं अपि भी एतयोः इन दोनों के चिरासनम् बहुत देर तक आसन पर बैठने से परिखेदम् कष्ट को विहरणं कृत्वा विहार करके या घूम कर अपनयामि दूर करता हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे इस प्रकार सभी लोग निकल जाते हैं। प्रश्नोत्तर।
कः सुहृत् जनसाधारणं श्रोतुम् इच्छति? रामः: सरस्वत्य अवतारः कीदृशः अस्ति? अपूर्वः: रामः चिरासन परिखेदं किं कृत्वा अपनयति? रामः चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयति। अत्र सौमित्रीः पदं कस्मै प्रयोक्तम्? लक्ष्मणाय: अहम् अपि एतयोः चिरासन परिखेदम् अस्मिन् पदे अव्ययपदं किम् अपि अपनयामि इति क्रियायाः कर्ता कः? रामः। प्रिय बच्चों, आशा है इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको भली भांति समझ में आया होगा। अगर आप आगे भी हमारे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट्स से, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।